सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर नई सीरीज ऑफ वीडियोस होने वाला है ये वाला, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ग्रुप कैंपिंग के लिए। जा रहे हैं अभी फिलहाल 5 जन। ये रहा टिंकू, पुराना क्रू मेंबर। ये शंटू, तुषार, आप लोगों को तो पता ही है, मेरा रेगुलर क्रू मेंबर, कैमरामैन। और ये है, देखो भाई, शर्मा क्यों रहा है भाई, पानी ढूंढने गया है, पानी लाने गया है। और ये भाई, और एक जन हमारा शाहरुख खान वहाँ पे खड़े हैं। अभी हम लोग फिलहाल है पहाड़ी के तलहटी पर, पूरा नीचे के इलाका, और यहाँ से हम लोग को करीब 600 मीटर ऊपर चढ़ाई करना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक वाटर स्ट्रीम है, उस तक पहुँचना है, और उसके बाद जाकर वहाँ पे हम अपना कैंप सेटअप करेंगे। हम 5 जन ऊपर 3 दिन रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती होगा। मतलब भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए। अभी टाइम हुआ है 12:30, पता नहीं कितना टाइम तक पहुँचेंगे। मुझे तो लग रहा है करीब शाम के 4:30-5 हो जाएगा। चलो अभी ये रेस्ट का जगह नहीं है, आगे पानी मिलेगा, वहाँ से सबका पानी का बॉटल फिल करना है, फिर जाके थोड़ा बहुत रेस्ट ले सकते हैं, फिर चढ़ाई। चलो चलो। देखो गाइज, एक का हालत अभी से बुरा हो गया, जस्ट हम लोग शायद 10% ही कवर किए, अभी से उसका हालत बुरा हो गया, बोला सर चकरा रहा है। सामने ही पानी है, आ जा। चलो चलो सर लेके आ जा। अरे काम का, रुक जा रुक जा, वो अभी तक नहीं आया, अभी भी बैठा हुआ है, दिख रहा है वहां पे। ए विकास, विकास आ जा, आ जा, पानी मिल गया, आ जा यहाँ पे पानी, आ जा। तकलीफ हमको दिखाई दिया। हाँ हाँ, रुक जाते उसके लिए। सो गाइज, हम लोग अपना पहला रेस्टिंग पॉइंट पर आ गए हैं, यहाँ से पानी वानी भर लेंगे। नहीं, ये पहला रेस्टिंग पॉइंट अभी बन गया है, क्या कर उसके लिए। 4 या 5 रेस्टिंग पॉइंट हम लोग डिसाइड किए थे, लेकिन लग रहा है उसके वजह से 10 बनाना पड़ेगा। 10 बस है, तो वो भी कम पड़ जाएगा। 10 बस है। तो चलो गाइज, पानी वानी पी लेते हैं। और ये गाइस हमारा शायद कितना नंबर है? ये चार नंबर। क्योंकि जो वो जो बंदा है वो लिटरली उसको बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं आ रहा है, और हर 2 मिनट बाद बाद बोल रहा है रेस्ट रेस्ट रेस्ट, और अभी तो मेन चढ़ाई सामने बाकी है। येलो दिख रहा है, रेड दिख रहा है, नहीं क्या क्या दिख रहा है उसका आंख के सामने, उसको हार्ट टाइप का कलर दिख रहा है। जहाँ से शुरू होते हैं हम लोग का बहुत ही ज्यादा स्टीप चढ़ाई, और देखिए ध्यान से इस बंदे को देखिए, यही बंदा जिसको चढ़ाई नहीं आ रहा है, चढ़ाई नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। अच्छा, हम लोगों को क्या ऑक्सीजन टैंक लगा हुआ है हम लोग के पीछे, लगता है। देखिए गाइस कितना भयानक चढ़ाई है, आराम से चलो, धीरे धीरे चलो सब। गाइस ये हम लोग का पता नहीं कितना नंबर रेस्ट पॉइंट है, मैं काउंट नहीं रखा हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो बंदा आया है, जिसके बारे में अब तक बोलते हुए आ रहा हूँ, वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पता नहीं टायर्ड हो जा रहा है, क्या हो रहा है, अभी 2 बार वोमिटिंग भी कर चुका है, इसलिए उसके वजह से कुछ नहीं खाया। अभी तो बोला चावल खा के आया, तू 9 बजे खाया है, उसके बाद पानी नहीं पिया, इसलिए उसको ऐसा हालत हुआ है। ये भाई, ये बंदा कुछ गलत ही सीन है भाई। तो जो भी होगा, जो पहली बार इतना चढ़ाई कर रहा है ना, उसका हैबिट नहीं है, हम लोग का हैबिट है, इसलिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन उसको इसके वजह से थोड़ा बहुत टेंशन है, इसलिए आराम से जा रहे हैं, और रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम 11 नवंबर को साला ब्लैक पैंथर देखना है मेरे को, उसको ब्लैक पैंथर देखना है, और मुझे लग रहा है इसी पहाड़ी पे शुअर का मौत मरेगा। नहीं बोला ना, ब्लैक शुअर का मौत देखने के बाद मरेंगे हम। तो जिंदा रहो भाई। तो चलो, इसके वजह से उसको थोड़ा खाने के लिए दे दिया, ज्यादा कुछ था नहीं, चिप्स ही था, ऐसे ही नॉर्मल खाने के लिए। कट कर देना ये सीन। नहीं 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 नहीं, यही तो मजा है, अब भी नहीं कर दूंगा, अब भी नहीं। गाइस देखिए, चिप्स ने चमत्कार कर दिया, सबसे पहले हमारा विकास, विकास खंडोला, अभी विकास होने वाला है लग रहा है वीडियो में। आगे जा रहा है भाई, एनर्जी देखो, ओ भाई साहब, चलो आगे बढ़ रहा है।
आ जाओ देख के, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट जगह है। पहुँच गए, करीब करीब पहुँच गए हम लोग। खुशी देख पा रहे हो, ऊपर पूरा आसमान दिख रहा है, मतलब उतना तक इसका लेवल है पहाड़ी का। यही पे जो बड़ा पत्थर दिख रहा है ना, इसके ऊपर ही फ्लैट लैंड है। लेकिन वहाँ पे हमारा जर्नी ख़त्म नहीं होता, वहाँ से और करीब 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट वहीं पे जाके ख़त्म होता है। वाह क्या सही लग रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए पूरा टॉप तक। लेकिन गाइज यहाँ से नज़ारा उतना अच्छा नहीं है। हम लोग का और एक जगह है जहाँ से ज़्यादा बेटर नज़ारा है, और वो वाला जगह ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से हम लोग को पता है कि लोकेशन तक कैसे जाना है। यहाँ से अभी भी 2 किलोमीटर हम लोग को चलना पड़ेगा, 2 या शायद उससे भी ज़्यादा। और अभी टाइम हुआ है 3 बजने को है, बहुत बहुत कम टाइम है हम लोग के पास, जल्दी करना पड़ेगा। लोकेशन में पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा शायद, लग रहा है रात हो गया तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। चलो दिख रहा है क्या, टाइम वॉश नहीं करते हैं, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। वेट मत करो, यहाँ के यहाँ पे रुक नहीं सकते हम लोग, निकलना पड़ेगा। क्या सही नज़ारा है यहाँ से, लेकिन पूरा कोहरा छा गया है, पूरा कोहरा है, इसके वजह से प्रॉपरली दिख भी नहीं रहा है। चलो गाइस थोड़ा फास्ट फास्ट चलो, बहुत लेट हो गया है। देखो गाइस अभी भालू का इलाका आ रहा है सामने, ठीक है ना, चिल्लाते हुए चलो। देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग को जो वाटर स्ट्रीम सूखा हुआ मिल गया, वाटर स्ट्रीम मिला है, इन्हें पूरा ड्राइड। हाँ आगे है, हाँ हाँ अरे अरे चलो चलो चलो। लिटरली पूरा फ्लैट है, बहुत ही बड़ा बड़ा बांस का झाड़ी है भाई। ये जगह ना अलग लेवल का जगह है भाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था उस टाइम, इसीलिए इतना हार्डवर्क करके फिर से यहाँ पे आ गया। बहुत ही घना जंगल एक्चुअली ये वाला गाइस। वाह कहाँ कहाँ दिखाओ, ओ भाई चलो। ये गाइस फाइनली हम लोग को पानी मिल गया, चलो चलो। लेकिन यहाँ पे नहीं, अभी सुनो सुनो, हम लोग अभी पूरा बांस के झाड़ी के अंदर से जा रहे हैं भाई। भालू लोग का क्या होता है ना, वो लोग बिंदास खाते रहते हैं, उन लोग को समझ में नहीं आता आसपास क्या हो रहा है। जब हम लोग उसका सडन पास आ जाएगा, वो रिएक्ट करेगा, डर के मारे अटैक कर देगा, इसलिए चिल्लाते हुए चलो, उसको पता चले कि हम लोग आए हैं यहाँ पे। भाई क्या ही घना जंगल है, नहीं बे बहुत ज्यादा घना जंगल है, मजा आ रहा है एक्चुअली सही में। क्या ही सही नजारा है यार, वाह। आ जाओ आ जाओ, बहुत नज़ारा देख के सब तकलीफ दूर हो जा रहा है। सो गाइज फाइनली ये एक जगह जो हमारा पोटेंशियल हो सकता है यहाँ पे कैंपिंग लोकेशन, थोड़ा आगे देख के आएंगे अगर इससे बेटर कोई फ्लैट जगह और मिला। एरिया में बिल्कुल भी बैम्बोज नहीं है, जस्ट पीछे तक ही था ख़त्म, यहाँ से सिर्फ ओनली जंगल ही जंगल है।
सो गाइस हम लोग आए थे जगह देखने के लिए, जगह तो वही वाला बेटा लगा हम लोगों को, और जाते जाते एक लकड़ी मिला है, लेकिन बहुत छोटा सा लकड़ी है गाइस, बहुत छोटा सा है, इसलिए हम लोग दो लोग लेके जा रहे हैं, इतना छोटा है लकड़ी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा काम को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, तब बेटर रहेगा। एक काम करो, तुम यहाँ पे रह के पूरा दोनों टेंट के अंदर मैट, उसके बाद जितना बेडशीट वगैरह सारा लगा दो, लाइट लगा दो, ठीक है ना, वो कंप्लीट करो, और उसके साथ रह के कंप्लीट करो, इसके साथ तुम उसको लेके जाओ, मैं राज करता हूँ। अच्छा ठीक है, राज करो, और उसके साथ साथ क्या मेरे को बुलायो, ऊपर जो बड़ा बड़ा जो पत्थर टाइप का है चूल्हा बनाने के लिए, वो लेके आ जाना, ठीक है, ऐसा तो लगा हाँ? नहीं उससे थोड़ा बड़ा, नहीं उससे बड़ा क्या करेगा भाई, भाई क्या करेगा भाई, अपने शादी में खिलाने वाला आग लगा देंगे, तो सुनो वो करना है, ठीक है, वो दो काम तुम लोग करो, और मैं, हम पिंकू और विकास जा रहे हैं लकड़ी ढूंढने के लिए, ठीक है, छोटा पत्थर भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा, छोटा पत्थर हाँ वो वाला भी चाहिए, क्योंकि आज का रात का डिनर होने वाला है जबरदस्त, कुछ स्पेशल होने वाला है। सूखा है ना, अच्छा सूखा है, तो चलो पत्थर लेके टेंट में मिलते आप लोगों के साथ, चलो राज भाई एक उठाओ, मैं उठा लूंगा दूसरा, चलो चलो कुछ तो हुआ, तो गाइस इतना सारा तो हम इकट्ठा कर लिए, और थोड़ा निकल एक ही पेड़ से पूरा सारा इकट्ठा हो गया, बस दे दो मैं इसको लेके जाके फिराता हूँ, तो चलिए गाइस ये ले लिया मैंने, गाइस इसको लटका देते हैं यहाँ पे, फिर सो गाइस हम लोग पानी लेने चले आए, सो गाइस आग तो बढ़िया से लग गया है, और अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत भूख लगा है और प्यास भी लगा है, एनर्जी बूस्टर के लिए हम लोग लेके आए एनर्जी बूस्टर, अभी देखो सबका सबके लिए सब एक एक है, ये अपना रास्ते में ख़त्म कर दिया, तो अभी हम चार लोग खाने वाले हैं, पीने वाले हैं, और ये नहीं देखने वाला है, ओके कोई बात नहीं, ओ भाई भाई खत्म, मेरा वाला भी जाने वाला था, ओह क्या सुकून है भाई, चीयर्स चीयर्स टिंकू, चीयर्स, अरे पी रहे, तो कैमरा मैन का दिक्कत है, ये फ्रेम में कम रहने वाला है, हार्ड वर्क ज़्यादा करने वाला है,
तो बालो निकल जा रहे, नहीं आएगा इधर, कहीं नहीं तो क्या आएगा, है ही नहीं, है ही नहीं, इतनी बार आया एक बार भी तो नहीं, इसको रात में अकेले बाहर ही छोड़ देंगे, तूने खाया, सही चल, सही सही, आधा इसने खाया था ना, चल जूती, आधा नहीं खाया था मैं, लास्ट आधा ही खाया था तूने, फिर ज़्यादा नहीं खाया उस टाइम, कश्मीरी मिर्च क्या, तू क्या कर रहा अंदर, अच्छा मसाला सब एक साथ कर रहा है ना, चलो जो मांगूंगा वो देना, ठीक है, टाइम टू टाइम, कोई बात नहीं, क्योंकि तू ही कर रहा है, और भाई तुम दोनों का काम एक्सचेंज कैसे होगा, ये तो राज का काम था ना, गरम मसाला आ गया मैं इधर, उसका अच्छा लग रहा है, बोला ठीक है भाई, हमको ठंड लग रहा है, अच्छा ऐसे बात है क्या, अच्छा अच्छा, और गाइस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ चूल्हा, जो हमारा खाना वाना बनेगा उसके लिए, क्या खाना बनेगा आज भाई, सरप्राइज है, मस्त खाना बनने वाला है, लेकिन एक चीज तो दिक्कत वाली बात ये है कि नहीं तो फिर आधा उसमें देते आधा इसमें दे देंगे, आधा आधा क्या भाई, तू आधा पादा कौन पादा, तू डालना इसमें, राघव दादा ना पता ना, चलो भैया क्या कर रहा है, उसका मुंह लाल हो गया शर्म से, चुप रहे तो भाई, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर गरम कर रहे हैं ना, देखो वो बंदा बैठ के फूक मार रहा है, मैं यहाँ पे फूक मार रहा हूँ और इस बीच और क्या हो रहा था, जब विकास को फूल रोस्ट किया जा रहा था तुषार रोस्ट कर रहा था भयानक रोस्ट, और उसी बीच ऐसा एक बात भाई, जब हम लोग का हंसी नहीं रुक रहा है, ओ भाई अच्छा रोस्टर बन सकता हूँ ना भाई साहब, सही बता रहा हूँ, सोचा चलो ये चीज आप लोगों से शेयर कर देता हूँ भाई, लिटरली हम लोग एक घंटे से ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, पूरा मस्ती मजाक, हम लोग का चिकन रेडी हो गया ना, टिंकू चिकन रेडी कर रहा था, और यहाँ पे तुषार विकास को रोस्ट कर रहा था, और हम लोग बड़े मजे ले रहे थे, ओ भाई जो बोला ना भाई, बता नहीं सकता गाइस, अगर बता सकता ना तो बता देता, ए भाई साहब मैं लांडीगुड़ा से हूँ, टिंकू तुम कहाँ से हो, उर्मागुड़ा और वो एक मोरा भाई गाइस मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसको रोस्ट नहीं किया, बस ये ऐसा ऐसा रोस्ट कर रहा है ना, हंसी अपने आप निकल आ रहा है, मैं हंस रहा हूँ इसको लग रहा है रोस्ट कर रहा हूँ, भाई तू भी रोस्ट कर, अगर मैं ना हंसू ना फिर बताना, ठीक है, अरे उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, बात है उसके पास ऐसा कुछ है, मेरे को उतना कुछ आता नहीं है, अरे आने में क्या है, रोस्ट कराओ भाई, चलो चलो चिकन मैरिनेट करते हैं, आ जाओ, इसको क्लीन कर, हम लोग कितना, पांच जन है ना, दो चार खो देते हैं भाई साहब, यार ग्रुप कैंपिंग है ना, मजा ही अलग है, सब एक साथ मिलके काम करो, वरना सोलो कैंपिंग में अकेला उसका भाई एक पीस अलग है, थोड़ा होल कर देते हैं, तीन एक साथ क्यों पसंद नहीं, एक साथ तीन इसका एक एक पसंद है, अब देखने में इतना है, अब भी कच्चा खा लो, खा ले, ले ले ले, दे दो उसको, दे दो, ले भाई ले, जितना हो जाएगा ना काम करते, ओ क्या दिख रहा है,
और ये अब जितना भी सारा मसाला है जो भी है, तो चलो गाइस इसको अभी रैप करते हैं। ए भाई तू बैठा क्यों जाए वहाँ पे, गड्ढा खोद जल्दी जा, बैठा हुआ है देखते यहाँ पे क्या शो चल रहा है क्या। भाई भाई की शादी का भोजी है यहाँ, इसको पकड़। हम लोग का जो पैकिंग पूरा परफेक्ट हो चुका है, उठा थोड़ा 5 kg हो गया। और इधर शोंटू और राज खाना बना पीने के बाद रात में ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। पूरा जाएंगे उस तरफ, देखते क्या करते बताते नहीं है आप लोग, है ना, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। चलो अब इसको ढक देते हैं, अभी से गाइस धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है। चल ला ला लकड़ी ला। करता हूँ आग ठीक करता क्या, उसका खराब हो गया क्या? वही है, आग ठीक करता हूँ। चलो गाइस अभी फिलहाल वहाँ पे चिकन रेडी हो रहा है, यहाँ पे राइस बना लेते हैं फ्राइड राइस बनाने के लिए, और उसके बाद जब चिकन करीब करीब तैयार हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, फ्राइड राइस बनाएंगे। क्या फ्राइड राइस? एक फ्राइड राइस। भाई आज का खाना तो बड़े मजेदार है। एक किधर है? एक है ना, दो एक दो तीन चार पाँच दस, दस एग है। एक बोला, एक वही तो दस एग है, वो डबल मीनिंग बात बोल रहे हो। अरे भाई दस एग है लिटरली, बैग से निकाल, दस एग ही है बे, लेके आया हूँ। पहले तो उड़ेगा ना, उसके बाद जाएगा पड़ेगा। भाई तू लग जा अपने काम पे। कहाँ पे, अब तक ठंड ही नहीं है, ठंड पड़ेगा, ठंड फील हो रहा है तेरे को? नहीं पहाड़ में हूँ तो नहीं, एक्चुअली यहाँ पे 3 जगह पे आग लगा हुआ है ना, नहीं नहीं इसलिए पता नहीं चल रहा है। दो लोग गए हैं और बाकी दो लोग वहाँ पे गए हैं, इसलिए गए बर्तन धोने के लिए जो कि फ्राइडेज बनने वाला है। आज तो कुछ अलग ही स्वाद आने वाला है खाने में। नहीं भाई बड़ा मजा आ रहा है। नहीं और एक क्रैब मिला। क्या मिला? क्रैब, क्रैब मिला, दिखा दिखा दिखा, मेरे नजर से कुछ नहीं छुपता। क्रैब मिला कहाँ? क्रैब कहाँ है उसमें? बड़ा कितना साइज, कितना बड़ा है वो? उससे थोड़ा छोटा है पर ठीक ठाक है, मतलब दो मीटर। अरे ओ भाई साहब देखो क्रैब का साइज देखो, उससे बड़ा। तो गाइस ये देखो, ये जो लकड़ी शायद पूरा रात भर के लिए हम लोग का कम पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग लाने जा रहे हैं वहाँ पे एक लकड़ी जो जगह ढूंढने गए थे उस टाइम, आधा ला के वहाँ पे रखे थे। चलो 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 चलो, मैं लाइट दिखा रहा हूँ, चल चल इसको पकड़। तो गाइस अभी चावल करीब करीब बन चुका है और 5 मिनट लगेगा बनने में, लेकिन वो जो हमारा चिकन अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी कितना टाइम हुआ है, 9 बजे है ना, अभी 9 बजने को शायद 15 मिनट बाकी, पौने तो अभी भी हमारे पास 1.5 घंटे का टाइम है। तो इस टाइम में क्या करते हैं ना, बढ़िया से टेंट के अंदर चलते हैं और कार्ड्स खेलते हैं, मजा आएगा बढ़िया। अभी मस्त है पूरा सेटअप। ओ भाई कितना बजाएगा? जितना है उतना तक कल एक छोड़ के। तो गाइस हम लोग उस साइड टेंट में ना, उस साइड टेंट में बहुत ही ज्यादा स्मोक जा रहा था, स्मोक जा रहा था, धुआं जा रहा था गाइस, इसलिए हम लोग इधर शिफ्ट हो गए। आग में जलन हो रहा था। चलो मेरे को मानना है ना, तुम्हारी बारी है, लो अब थोड़ा तुम लोग कलर खेलो, हम देखते हैं। ये कलर तो मैं ही खेलूंगा भाई। अरे भाई, अरे भाई, वो भाई साहब ये पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था क्या? मुझे लगा था कटने वाला है ये। मेरे को दे दो, दो ले ले, चलो कुछ नहीं, मेरे पास दो आया, मेरे को दो, ये दो, तीन, पांच, चार, पांच, पांच, नौ, सात, नौ, चार आया, चार, पांच। सो गाइस हम लोग का कार्ड खेलना तो खत्म हो गया और एज ऑलवेज मैं ही जीता,
नंबर वन, ठीक है, चीटिंग 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 करके वही बोलोगे तुम लोग। तो चलो गाइज, अभी हम लोग का फ्राइड राइस बनाना है क्योंकि अभी टाइम करीब हो गया है 9:46, तो और आधा घंटे के अंदर हमारा चिकन भी रेडी हो जाएगा और तब तक हमारा फ्राइड राइस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस बार बहुत ही बड़े बड़ा गाजर लेकर आए। इस गाजर को छील देंगे तो इस गाजर में कुछ रहेगा नहीं गाइस। मेरे को मेरा स्टूल चाहिए था अभी यार, लाना चाहिए था। अब जाएगा सबसे स्पेशल पार्ट यार, ओनली भाई इतना कम इतना कम कम से कम हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम कम राइस नहीं कर सकते। चावल लेके जल्दी चावल लेके आ, आलसी वाला बैठ गया, पैर दुख रहा है, क्या करूँ। अच्छा हम लोग का क्या दुख रहा है, आगे वहाँ पे संभाल के, ठीक है, हाँ नीचे ला। अरे इंडियन तड़का के लिए तो इसके अंदर थोड़ा गरम मस्त। क्या हो गया? अरे भाई चींटी कहाँ से आ गया? वो भी इतना सारा। ओ भाई साहब गर्मी लग रहा है ना, गर्मी के ये से आ गया इतना सारा चींटी। मैं उंच पे ही खड़ा था। ये भाई भगा रहे इन लोगों को, टेंट के नीचे से आ रही है। अरे इंडियन तड़का के लिए अभी गरम मसाला डाल देते हैं भाई साहब। थोड़ी देर पहले टिंकू भाई को तड़का मिल चुका है, उसको तड़का मिल चुका है और विकास को भी मिल चुका है मस्ती के कारण। ले सोया सॉस दे। फाइनल वाला हमारा पार्सले दे देते हैं, बढ़िया सा फ्लेवर आएगा इससे, महक भी आएगा अच्छा है, स्मेल। फ्राइड राइस भी कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरा वाला पकड़ने वाला कहाँ है? यस रेडी। चलो अभी बारी है चिकन का देखने का। आ जाओ भाई। अभी बारी है द रिजल्ट का। आ रहा है गाइस धीरे 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 धीरे। इतना बारीकी से कर रहे हैं हम लोग जैसे कि कोई एंटिक चीज को निकाल रहे हैं, फॉसिल निकाल रहे हैं। अगर फॉइल पेपर फट गया तो फॉसिल गया अपना। निकल जा भाई मेरे भाई। ए भाई गया रे, होल हो गया पूरा। डराओ मत यार। अरे सही में हो गया, डराने वाली बात नहीं है। ये देखो ये यहाँ पे घुसा है पूरा, यहाँ पे घुसा है। कुछ ओ थ्री लेयर है ना, कुछ नहीं होगा। डेरी मिल्क का चॉकलेट का अनबॉक्सिंग। सो गाइस चलो अभी हमारा चिकन अनबॉक्सिंग करते हैं, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओ भाई देखो कलर। ओ माय जी, मतलब रोस्ट भी हुआ है थोड़ा बहुत। वाओ ओ भाई
अरे भाई साहब रोस्ट भी हुआ है, सही है, ये खाने में कुछ अलग ही स्वाद आने वाला है भाई। मुंह में तो पानी आ जा रहा है। तुम लोग तो नहीं खाए हो, मैं खाया हूँ, मुझे पता है भाई। बस देखते इसका टेस्ट कैसा हुआ है भाई। ओ मुझे काटने की भी जरूरत नहीं है गाइस, आराम से देखो कैसे निकल आ रहा है, आराम से इजीली, इतना टेंडर। तो गाइस अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को फील होता होगा ना जब मैं खाता होगा, आप लोगों के मुंह में पानी आता होगा। अभी यहाँ पे मेरे सामने चार चार जन खड़े हैं, इन लोगों के मुंह में पानी बहुत जोर से आ रहा है। गाइस ये ना बहुत ही ज्यादा पूरा सॉफ्ट बना है, मतलब लिटरली पूरा। तो गाइस चलो सब मिलके इसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैं अकेला एंजॉय करूंगा। देखो साइड में ये जो विकास पूरा गुस्सा हो गया था अभी, मतलब मानने चलाया था मेरे को क्यों नहीं दिया। सो गाइस डिनर स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज एक्चुअली में हम लोग बहुत ज्यादा खुश है। इस खुश होने का ना दो रीजन है, ठीक है ना। पहला रीज़न है भाई हमारा फैमिली 13 के फैमिली हो चुका है, और गाइज इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और गाइज जल्दी से इस 13 को ना भाई 20 कर देते हैं, पहले चलो 15 कर देते हैं, 2K जल्दी से भाई, जो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अब तक जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और गाइज अब है सेकेंड तो नहीं, ये सबसे बड़ा खुशी का रीज़न है। ऐसे ही कल रात को ना मुझे एक मैसेज आया कि मेरा वीडियोज़ बहुत अच्छा बन रहा है, और एक जो पर्सन है वो मेरा वीडियोस देख रहे हैं। मतलब मैं देखा सडनली, जब भी मैं ओपन किया फिर देखा भाई मैसेज आया था सर अभिनव शुक्ला की तरफ से। मैं देख के शॉक्ड हो गया गाइज। अगर आप लोग मैक्सिमम लोग जानते होंगे उनको, जो लोग नहीं जानते वो अभी जस्ट रिसेंट में जो बिग बॉस गया था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किए थे। और गाइज वो एक बहुत ही बड़ा एक्टर है जो कि बहुत सारा टीवी सीरीज़ में एक्टिंग कर चुके हैं, और उसके साथ साथ ही ना वो बहुत ही बड़ा एक एडवेंचर सीकर है। ऐसे ही मतलब वाइल्ड लाइफ में जाना, एक्सप्लोर करना वगैरह वो सब पसंद है, और शायद उसी चीज़ के लिए शायद उनको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पता नहीं किस रीज़न के लिए। लेकिन भाई सही में बता रहा हूँ गाइज, मैं इतना खुश ना कभी नहीं हुआ कि ऐसा फील हो रहा है चलो मेरे जैसे एक नॉर्मल पर्सन को ऐसे इंस्टाग्राम में ढूंढ के आके टेक्स्ट करना भाई मेरे लिए बहुत बड़ा बात है यार, सही में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर आपको बोला था कि ये वाला वीडियो बनाने आएंगे, पता नहीं वीडियो कैसा बनाए, काइंड ऑफ सोलो कैंपिंग तो नहीं है, ग्रुप कैंपिंग है। होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइज हम लोग खाने के बाद ना एक जो नीचे वाटर स्ट्रीम है इस पे जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, क्रैब पकड़ने के लिए बेसिकली, क्योंकि गाइज इतना बड़ा बड़ा क्रैब वहाँ पे देखा हूँ। जस्ट खाने के बाद ही जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह नहीं मिलेगा, रात को ही मिलेगा जनरल उतना बड़ा क्रैब। सो गाइज ये वाला बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, ठीक है। तो वेट करो, हम लोग अपना डिनर जल्दी से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए ये वाटर स्ट्रीम और जंगल थोड़ा बहुत अगर पॉसिबल हुआ तो। चलो शुरू करते हैं हमारा खाना, बढ़िया डिनर रेडी है। आज एक्सप्रेशन मैं नहीं दूंगा, ये लो चलो खाओ लो। वी मेन मोमेंट ऑफ ट्रूथ है विकास। हाँ मेरे तरह भी सबकी नजर है, सिर्फ चिकन खा के देखो पहले। संतू भाई आ रहा है क्या पानी? नहीं, डिलीशियस। क्या हो गया भाई, मुझे लगा कम एक्सप्रेशन आया, कैसे अपने आप कैसे निकल आया मुझे। नहीं लिटरली भाई चिकन, भाई इस प्रोसेस से चिकन में दूसरी बार बनाया हूँ भाई, सही में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही ज्यादा। टिंकू हमको पता नहीं, हम पहले कभी नहीं खाए हैं, खा के देखो अभी। वाह मजा आ गया, नहीं मजा आ गया सही में। फ्राइड राइस भी एकदम पूरा सही बना है, इसका एक तंगड़ी भी लेता हूँ। देखो भाई लेग नहीं, वो नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा होगा, वो तंगड़ी दो दो के पास जाएगा और लेग पीस दो दो के पास जाएगा। हाँ ठीक है, कोई और एक जन बच जाएगा जो ठीक है सॉरी, वो विकास से नहीं, वो लीवर खाएगा। हाँ वो लीवर खाएगा, नहीं लीवर तो आपका आपका प्यारा है ना, वो तो है तो मेरा तो। तो चलो भाई सबका एक्सप्रेशन हो गया, अभी संतू का एक्सप्रेशन बाकी है, बस इस तरफ कैमरा लगाओ, आ जाओ बस। देखो सोंटू अपने लिए कितना बड़ा पीस लेके आया भाई, मेरा देखते ही ना।
खाने का तरीका उसका। अब बोल तू बोल। लाजवाब बना है। तो चलो गाइस हम लोग ना सब मिलके बढ़िया से अपना डिनर कंप्लीट करते क्योंकि भूख बहुत लगा, बहुत जरूरी लगा है। और दूसरी सा डिनर एंजॉय करते हैं। तो चाकू लगा भाई इधर उधर पास करो। अरे रुको यार तो लेने तो दो। सो गाइस हम लोग का डिनर तो कंप्लीट हो चुका है और अभी रात के बजे 12 और ठंड भयानक भयानक ठंड है। यहाँ पे आग है बोल के थोड़ा बहुत राहत है वरना इसके जस्ट 5 मीटर 2-4 मीटर दूर जा। हाँ चुंटू को बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि कितना ठंड है वहाँ पे। लेकिन भाई अभी रात को हम लोग जाएंगे कहाँ क्रैब पकड़ने के भाई उसका मज़ा ही है। अभी नींद आ रहा है थोड़ा बहुत क्योंकि हम लोग टायर्ड हो चुके हैं लेकिन भाई वो जो मज़ा आया ना उसको बिना लिए हम लोग सोएंगे नहीं। तो गाइज अभी थोड़ा और 5-10 मिनट आग सेकने के बाद हम लोग जाएंगे क्रैब पकड़ने के लिए। और गाइज वो वाला चीज़ आप लोग देखेंगे अगला वीडियो में जो कि शायद वेंसडे को अपलोड होने वाला है। तो गाइज अगर अब तक वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर दीजिए ठीक है ना। लेकिन भाई भयानक ये मतलब गर्माहट मिल रहा है इससे नहीं भयानक। अच्छा पत्थर भी थोड़ा थोड़ा गर्म है गाढ़ा जला ना रहा है।